अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाएं पीएमवाईटी कोड और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट। पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, तो ध्यान रखिए पीएमवाईटी कोड लगाना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे आर्मी की तरफ से रिलीज की गई है। इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे जीके रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। गाइस, यहाँ पे 10th और 12th पास रिक्रूटमेंट है। ये यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट जो है ये आर्मी की तरफ से रिलीज किया गया है। ग्रुप सी की पोस्ट है द जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो चलिए एक बार इसकी डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। वैकेंसीज की बात करेंगे गाइस यहाँ पे, तो स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट है, यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन की एक है, कुक की 8 पोस्ट है, बूट मेकर की 3 पोस्ट है, टेलर की 2 पोस्ट है, एमटीएस की यहाँ पे 3 पोस्ट है, वॉशरमैन की 2 पोस्ट है, बार्बर की 3 पोस्ट है और माली की 1 पोस्ट है। आगे की बात करेंगे गाइस यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd की जो हम बात करें यहाँ पे पोस्ट, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपने यहाँ पे 12th क्लास अपने पास किया, अपने अगर 12th किया हुआ है या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे डिक्टेशन स्पीड की आपकी, तो 10 मिनट एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन स्पीड की बात करेंगे तो 50 मिनट्स यहाँ पे इंग्लिश है के लिए है और 65 मिनट्स यहाँ पे हिंदी के लिए ऑन कंप्यूटर। ड्राफ्ट्समैन की बात करेंगे तो आपने 10th पास किया हो या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन हो, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्टेट के अंदर, तो ही आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुक की बात करेंगे तो आपने 10th पास किया हो, साथ में आपको इंडियन कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही गाइस यहाँ पे डिजायरेबल है ये क्वालिफिकेशन कि आपको यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस जो है वो डिजायरेबल है, अगर नहीं भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बूट मेकर की बात करेंगे, 10th पास किया हो आपने और साथ में गाइस यहाँ पे डिजायरेबल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सब तरीके के टेक्सटाइल लेदर वगैरह को रिपेयर यहाँ पे करना आना चाहिए, तो ये यहाँ पे डिजायरेबल रहेगा, लेकिन अगर आपने 10th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। टेलर की बात करेंगे गाइस, आपने 10th पास किया हो साथ ही आपने आईटीआई पास किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस सफाई वाला की बात करेंगे, वॉशरमैन की बात करेंगे, बार्बर और एमटीएस माली की बात करेंगे तो सभी के लिए यहाँ पे 10th पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। साथ में डिजायरेबल ये है कि अगर आपकी रिलेवेंट ट्रेड के अंदर आपके पास यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पे ये लेवल 4 की पोस्ट है तो 25,500 से लेके यहाँ पे 25,500 से लेके 81,100 आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। कुक बूट मेकर और यहाँ पे टेलर ये लेवल 2 की पोस्ट है तो इसके लिए यहाँ पे 19,900 से लेके 63,200 सैलरी आपकी रहने वाली है। टेलर, एमटीएस, वॉशरमैन, बार्बर, एमटीएस माली ये लेवल 1 की पोस्ट है तो इसके लिए 18,000 से लेके 56,900 तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। एज लिमिट गाइस सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे 18 से 25 साल एज लिमिट है और एज रिलैक्सेशन भी गाइस यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है। आगे की बात करेंगे, अगर आप लोग एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग ऑफलाइन मोड से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप पोस्ट ही कर सकते हैं इसको, आप लोग खुद ही जाकर के नहीं देंगे, आप इसे पोस्ट करेंगे तो आप इस गिवन एड्रेस के ऊपर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पोस्ट करेंगे, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स गाइस यहाँ पे गिवन है। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 18 मई लास्ट डेट है गाइस यहाँ पे गिवन है, 18 मई लास्ट डेट है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग अपनी जो एप्लीकेशन है वो इस गिवन एड्रेस के ऊपर यहाँ पे बाय पोस्ट सेंड करेंगे और आपकी एप्लीकेशन 18 मई 2022 से पहले वहाँ पे पहुंच जानी चाहिए, तभी उसे एक्सेप्ट वहाँ पे किया जाएगा। होप सो गाइस आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीपीएफ, सीपीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं।